नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। रिवर बैंक कॉलोनी में बिजली विभाग द्वारा शुक्रवार को विशेष अभियान चलाकर सभी सरकारी आवासों पर बिजली मीटर लगाया गया। आज और कल मिलाकर लगभग 40 मीटर पुराने कनेक्शन पर लगाए गए। शहर SDO शिवम राय ने बताया कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन से आदेश प्राप्त हुआ है कि हर विभाग के सरकारी भवनों आवासों में मीटर लगाकर तत्काल प्रेषित करें। उन्होंने आम जनता से अपील की कि उपभोक्ता अपना अपना बिजली का बकाया बिल तत्काल जमा करा दें। जिसके यहाँ मीटर नहीं लगा है वो तत्काल मीटर लगवा लें। जांच टीम में मुख्य रूप से अवर अभियंता अविनाश सिंह, रोहित कुमार, अश्विनी सिंह, अजय विश्वकर्मा, जयप्रकाश कुशवाहा अन्य शामिल रहे। समाजवादी पार्टी की एक आवश्यक बैठक जिलाध्यक्ष रामधारी यादव की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय लोहिया भवन पर आयोजित हुई। इस बैठक में 7 अक्टूबर को जिलाधिकारी द्वारा ज्ञापन न लेने पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा तीखा आक्रोश व्यक्त किया गया। DM के इस हठी रवैये की तीखी निंदा की गई। रामधारी यादव ने कहा कि जिलाधिकारी ने समाजवादी पार्टी का स्थानीय जन समस्याओं से संबंधित ज्ञापन न लेना जन समस्याओं की अनदेखी करना है। इस मौके पर पूर्व विधायक विजय कुमार, पूर्व जिलाध्यक्ष सुदर्शन यादव, जय किशन साहू, गोपाल यादव, निजामुद्दीन खान, अशोक बिंद, अरुण कुमार श्रीवास्तव, ब्रिजदेव खरवार भी उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने शुक्रवार को पुलिस लाइन में परेड की सलामी ली। विभिन्न शाखाएं जैसे शस्त्रागार, GP स्टोर, UP 112 कंट्रोल रूम, परिवहन शाखा, क्वार्टर गार्ड, बैरक, पुलिस कैंटीन, पुलिस अस्पताल एवं भोजनालय आदि का निरीक्षण भी किया। फोरेंसिक टीम द्वारा UP 112 के कर्मचारियों को क्राइम सीन को सुरक्षित करने का प्रशिक्षण भी दिया गया। SP द्वारा निरीक्षण के बाद प्रतिसार निरीक्षक को साफ सफाई एवं रख रखाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम गाजीपुर यूनिट की ओर से शुक्रवार को शहर के MAH इंटर कॉलेज तिराहे पर अपनी ड्यूटी में मुस्तैद पुलिस जवानों, इसके अतिरिक्त मजदूरों और राहगीरों के बीच निःशुल्क पानी, बिस्किट और कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क बांटे गए। फोरम के वॉलंटियर्स ने बताया कि मानवता की सेवा में ही हमारा परम उद्देश्य है। इस अवसर पर आबिद हुसैन, नजमुल साकिब अब्बासी, अब्दुल समद सिद्दीकी, कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, समीर अहमद, डॉक्टर फैजल हुसैन आदि उपस्थित रहे। अति प्राचीन रामलीला कमेटी हरिशंकरी द्वारा स्थानीय लंका मैरिज हॉल में शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। उस दौरान मंत्री ओम प्रकाश उर्फ बच्चा तिवारी ने कहा कि 450 सालों से होती चली आ रही शहर के मशहूर और पारंपरिक रामलीला का आयोजन आगामी 13 अक्टूबर एकादशी मंगलवार से होना है। COVID-19 के अनलॉक नियमों के अंतर्गत मिली छूट और जनहित में जिला प्रशासन के निर्देश पर इस वर्ष मात्र परंपरा निर्वहन के लिए अति सूक्ष्म रूप से पूजा पाठ के माध्यम से ही आयोजन होगा। इस मौके पर अध्यक्ष दीनानाथ गुप्ता, मंत्री ओम प्रकाश तिवारी, अभय अग्रवाल, योगेश वर्मा, लक्ष्मी, अशोक अग्रवाल, वीरेश राम, प्रहलाद पांडे, कमलेश, विनय कुमार व अन्य सदस्यों सहित आमजन उपस्थित रहे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।